एक मजबूत नींव है। ये नींव हमारी संवैधानिक संस्थाओं की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की है। इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है, तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है, दीमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूरी की थी, लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब भाजपा आती है तो भ्रष्टाचार भागता है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत कांग्रेस की सरकार में यानी साल 2004 से 2014 के बीच 5000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति जब्त की गई थी, 5000 करोड़। इसी एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इस एक्ट के तहत पहले के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 15 गुना ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में सीबीआई ने लगभग 5000 केस दर्ज किए हैं। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए सैकड़ों बड़े अधिकारियों को संविधान दिखाया, सरकार के नियम दिखाए और उनको जबरन रिटायर किया गया है, घर भेज दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई चल की गई है। साथियों, आजादी के 7 दशकों में पहली बार भ्रष्टाचार पर इस तरह की चोट हो रही है। पूरे देश की जनता आज भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्यवाही से खुश है। आपकी यही जानकारी है ना? मैं जहां जाता हूं, लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत।
हर देशवासी समझता है, भ्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे, वो अपना गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन इनके झूठो आरोपों से न देश झुकेगा न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली है। साथियों, आपको याद होगा, जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।